क्या यार, अब तुम्हें हिंदी भी नहीं आती, हिंदी में ये लेटर क्या बात कर रहा है? ये भी मैं पढूं अभी? अरे भाई नहीं, उतनी हिंदी तो आती है भाई, उतना तो पढ़ा हूँ मैं। ओके अरे भाई, सुपर कूल एसी वालों की तरफ से कागज है तो 30 बस की पार्टी रखी है 5-स्टार होटल में। क्या बात कर रहे हो? तो मैं ये बोल रहा था कि हम लोग खाली जेंट्स लोग जाएंगे ना, क्या लेडीज साथ में रहेंगे ना तो कैरम में फिर रोक टोक आ जाएगी। शाम को अब्दुल की दुकान पे हम लोग मिलते हैं, उधर तय कर लेंगे। ओके ठीक है, कन्फर्म कन्फर्म सबको बोल देना। म्यूजिक सिस्टम की कंप्लेंट आई है, पार्टी बोलते स्पीकर फटता है, इसलिए जरा मैं चेक कर रहा था। तो चेक करने के लिए कान वापर थे, पैर क्यों वापर रहे? पता नहीं सर जी, बचपन से मेरा ऐसा ही है, जब भी मैं म्यूजिक सुनता हूँ मेरे पांव थिरकने लगते हैं। अच्छा तो फिर तो आपको डांसर होना चाहिए था, इधर क्यों आ गए? आपकी वजह से है? आपके नसीब जोर कर गए इसलिए मैं यहाँ खींचा चला आया, वरना आज मैं भारत का सर्वश्रेष्ठ डांसर होता, नटराज नटेश्वर ऊंधाई वाला। और आपको मेरा शो देखने के लिए पास खरीदने पड़ते, लेकिन अफसोस आज मेरी हालत चल बिन मछली नृत्य बिन बिजली जैसी हो गई है। ओ बिजली बंद करो, नाच गाना, धंधे में ध्यान दो। जी सेठ जी। ये वो सुपर कूल एसी वालों की तरफ से 31 की पार्टी के पास का लेटर है, 8 पास का, तो मगन को भेज के वो पास मंगा लेना। जी। और सुनो। जी सेठ जी। वो नवरात्रा में सब पास दानवीर कर्ण बन के अपने बांट दिए थे ना, ऐसे ये पास बांट मत देना, ये 8 के 8 पास मुझे चाहिए। देखिए सेठ जी, ऐसी पार्टी में जाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो लोग अपनी भारतीय संस्कृति भूल गए हैं ना वही लोग ऐसी पार्टी में जाते हैं। या भगवान, आपने इनका डांसर क्यों नहीं बनाया? हाँ मेहता साहब, सभी लोग तो आ गए, अभी बताइए प्रयोजन क्या है। यार जेठालाल के पास 31 दिसंबर की पार्टी के फ्री पासेज आए हैं। पार्टी शाटी। अपन मेहता साहब जेठा बना कितने हैं? भाई अभी तक आया नहीं है, मतलब मैं तो कहता हूँ कि प्रोग्राम कैंसल। बुड़बक। ओए पोपट, अब अगर तूने कैंसल बोला ना तो तेरे मुंह पे नट बोल्ट लगा के और उसके ऊपर व्हील कैप चिपका के ना तेरे को अपनी गद्दी की डिक्की के अंदर बांध के सीधे मैं समुंदर में फेंक दूंगा। ए भाई भाई भाई, एक मिनट यार, तुम लोग यहाँ मैं पार्टी की बात करने आया और तुम लोगों के झगड़ा कर रहे हो। अभी जेठालाल आएगा जब डिसाइड करते ना कैसे पार्टी करनी है। वो तो सब ठीक है, लेकिन एक जरूरी बात है कि 1 जनवरी से सोने का भाव 2 रुपया हो जाएगा। अरे नहीं, मतलब के सॉरी, मेरा मतलब है कि 2 रुपया बढ़ जाएगा। अब्दुल, तेरा सोडा क्या सोना है जो भाव बढ़ जाएगा यार? अरे सब्जी का भाव तो बढ़ गया ना। और सोडा और सब्जी का कौन सा रिश्ता, और सोडा में कौन सी सब्जी डलती है यार? हाँ लिंबू। अरे घर में तो सब्जी खानी पड़ती है ना। वैसे दोस्तों, अब्दुल की एक बात तो सही है यार, महंगाई की मार तो आम आदमी को पड़ती है, ये भी महंगाई का मारा है बेचारा। सही बात। अरे भाई पिछले 1 साल में शक्कर के दाम 2 बार बढ़ चुके हैं। और नहीं तो क्या, पिछले साल शक्कर का भाव था 20 रुपया किलो, इस साल डबल हो गया 40 रुपया किलो। एकदम बराबर आत्माराम, मैं तो कहता हूँ शक्कर खाना ही बंद कर दो। अरे क्या बात करते हैं, शक्कर खाना बंद कर दो, क्या खुशियां नहीं मनाएंगे, क्या मिठाइयां नहीं खाएंगे, क्या आइसक्रीम नहीं खाएंगे, ऐसे ही चलेगी जिंदगी? अरे अरे डॉक्टर हाथी, इतना परेशान मत हो भाई, मैं आपको सस्ता इलाज बताता हूँ ना भाई। एक काम करो,
खूब सारा गन्ना खरीदो, घर लाओ, उसका जूस बनाओ और गन्ने के जूस से गुड़ बनाओ, गुड़ सस्ता पड़ेगा। किसी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि अपनी इच्छाओं को काबू में रखिए वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। क्या बात, क्या बात है, बहुत सही कहा, बहुत बढ़िया। ओ मेहता साहब, आपने बात तो बहुत बढ़िया की है, आप ये बताओ कि वो जेठा फरार फ्री पासेस किधर है? यहाँ है भाई, इधर है। फ्री पासेस तुम्हारे? आओ भाई, आज तुमसे ज्यादा इनको पासेस का इंतजार है। आगे आगे भाई, पासेस है, सब तैयार है ना? 31 तारीख को हम लोग खाली जेंट्स लोग पार्टी करेंगे, मजा करेंगे। अब बल्ला बल्ला। सुनी वो सब तो ठीक है, लेकिन हम सब की बीवियों का क्या? तभी मैं सोचो, सरपंच ने अभी तक कोई टिप्पणी क्यों नहीं की? अरे यार भाई, 31 के पार्टी में बीवी क्या करेगी? बीवी घर पर बैठ के टीवी देखेगी है? अरे नहीं नहीं यार जेठालाल, मुझे भिड़े की ये बात थोड़ी ठीक लगती है। अरे मुझे भी यार अपने वो दोस्त डॉल्फी की पार्टी में जाना है, मुझे लगता है अंजलि मानेगी नहीं यार। क्या मेहता साहब यार? ये क्या मेहता साहब, आप यार भिड़े का तराजू में बैठ गए? अरे जेठा भाई, चिंता क्यों करते हैं, मैं आपके तराजू में बैठता हूँ ना, और मैं जिधर रहूंगा आपको तो पता ही है, वजन ज्यादा रहेगा। नहीं नहीं, फिर भी मुझे नहीं लगता कि हम सबकी बीवियाँ ओनली जेंट्स पार्टी के लिए मानेंगी। लेडीज लोग जब कीड़ी पार्टी करती है तब उसमें जेंट्स होते हैं, नहीं ना? तो फिर हमारी पार्टी में लेडीज का क्या काम? बराबर है, शाबाश है यार भाई। सोसाइटी की लेडीज को जब स्विमिंग के लिए जाना था तब हम सब ने मिलकर उनकी एकता की कितनी तारीफ की थी। भाई आज वक्त आ गया कि हम अपनी एकता की भी तारीफ करें, और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर ये प्रोग्राम कैंसिल कर दो। नहीं 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 भाई, चलो चलो, ये तय रहा, सब लोग अभी कभी घर जाओ, अपनी अपनी बीवियों को समझाओ कि भाई 31 तारीख को हम लोग सब जेंट्स मिलकर जेंट्स पार्टी करेंगे। अरे भाई, बच्चे लोग बस अभी क्या करो बेटा, कितनी रात हो गई, अभी तक खेल रहे हो तुम? चलो चलो, कल सुबह स्कूल नहीं जाना। क्या पापा, वैकेशन चालू है, मैं गेम खत्म करके आता हूँ। पकड़ो पकड़ो। बच्चे बच्चे हैं यार। तो चलो भाइयों, सब अपने अपने घर पे जाकर बीवियों को मना लो। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ, और अगर ना माने तो? अरे ये कह रहा हूँ तो 31 की पार्टी के बाद कोई महंगी गिफ्ट खरीद के उन्हें दे देना। सही बात है। चलो भाई, चलो लग जाओ काम पे। चलो भाई, बाय बाय बाय। मेहता साहब भाई, आप भी जरा अंजलि भाभी के सामने कड़क रहना। मुझे क्या जोरू का गुलाम समझाया क्या? मैं तो खड़क ही हूँ यार। नहीं नहीं, आप बहुत ढीले डफ हो जाते हैं उनके सामने। नहीं क्या, दोस्ती का पलड़ा जरा भारी रखना, उनके हमें आमत मिलाना। अरे नहीं नहीं, ये दोस्ती पक्की, पार्टी करेंगे मजबूत। हाँ जोरदार। अच्छा तो आप ये कहना चाहते हो मुझे कि आप सारे मर्द 31 की पार्टी अकेले मनाना चाहते हो? हाँ एक्चुअली यही बात है अंजलि। हमने तो ऑलरेडी 31 प्लान कर लिया है, भूल गए? डॉल्फी जी के वहाँ हम 31 मनाने जा रहे हैं, नहीं जाएंगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा? नहीं नहीं अंजलि, उसका एक प्लान है मेरे पास। देखो सुनो, उसका मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है। क्या प्लान? ये है अंजलि, की डॉल्फी को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। भाई हम डॉल्फी के यहाँ जा रहे हैं, पहले डॉल्फी के यहाँ जाएंगे, आधा घंटे पार्टी वार्टी एंजॉय करेंगे, फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, और उसके बाद हम सारे दोस्त लोग उस पार्टी में चले जाएंगे। मैं सिर्फ आधा घंटा पार्टी एंजॉय करूं और घर आ जाऊंगा, और आप अकेले 31 की पार्टी मनाओगे और मेरे 1 साल की मेहनत पे पानी फेर दोगे। कैसे कैसे? पार्टी में कुछ भी अनशन खा लोगे? अभी भी तो अनशन ही खा रहा हूँ। हाँ क्या कहा? देखो अंजलि, 31 की पार्टी मनाने का मुझे भी हक है ना, समझो ना, हम सारे फंक्शन साथ मनाते हैं अंजलि, तो जाने दो ना प्लीज, समझो ना अंजलि। तारक, हमेशा नए साल का वेलकम हम लोग साथ मिलकर करते हैं, दिस टाइम ऑल्सो यू कैन नॉट गो। ठीक है, सुन लिया मैंने, आई कैन नॉट गो एंड सो आई विल नॉट गो। बाकी सारे मेरे दोस्त जेठालाल, भिड़े, अय्यर, सोडी, डॉक्टर हाथी, सब मना लेंगे अपनी अपनी बीवियों को। सही सही कहते हैं लोग अंजलि, बिल्कुल सही कहते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता मुझे जब कहते हैं कि चाबी वाला गुड्डा है मेहता साहब। हाँ जैसे नचाती है बीवी वैसे नाचते हो, जोरू के गुलाम है मेहता साहब। ठीक है ना अंजलि, नहीं जाऊंगा मैं। बस बस, इतना इमोशनली ब्लैकमेल करने की भी जरूरत नहीं है।
ठीक है, तुम जा सकते हो। श्योर। ओह अंजलि, यू आर टू गुड फॉर गॉड। बबीता, मैंने कभी तुम्हें किसी बात के लिए मना किया है? हाँ? तुमने अभी मेरे को कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया है? अय्यर, क्या बात है? You know, we have very good understanding. अय्यर, मुझे पता है कि तुम्हें कुछ बात करनी है, तो प्लीज कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। वो क्या है बबीता? ये सोसाइटी के फ्रेंड जेठालाल मेहता, सोड़ी भीड़े, अब्दुल शाह पर अभी सब लोग बोल रहे थे कि 31st का पार्टी के लिए कहीं बाहर जाए। ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम। बबीता, तुम समझी नहीं, सब कह रहे थे कि सिर्फ जेंट्स लोग ही जाएं। ओके, आई सी। वेल, इट्स ओके अय्यर, तुम्हें भी तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने का पूरा हक है, तो तुम पार्टी में जा सकते हो। ओके, मैं अभी आती हूँ। थैंक यू बबीता, यू आर अ वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग वाइफ। नहीं 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 हंस, मैं तुम्हें 31st December के पार्टी में जाने की परमिशन नहीं दूंगी। तुम्हारी हर बात के लिए कहा हमने हाँ हाँ, हमारी हर बात के लिए तुमने कहा ना ना, तुम्हारी हर खुशी खुशी, हमारी हर खुशी खुद खुशी। तुम्हें स्विमिंग सीखना था, मैंने मना किया। नहीं। तुम्हें किट्टी पार्टी में जाना था, मैंने मना किया। नहीं। तुम लेडीज लोग शॉपिंग के लिए साथ में जाती हो, मैंने मना किया। नहीं। बस जब मैं तुम्हें हर बात के लिए मना नहीं कर रहा, तो तुम मुझे इस बात की परमिशन क्यों नहीं दे रही हो? ठीक है कोमल, मैं समझ गया तुम्हारी मर्जी क्या है। तुम मान गए? दया को प्यार से समझाना पड़ेगा, वरना कहीं वो टार्जन की तरह चिल्लाने लगी तो बापूजी को पता चल जाएगा, और अगर बापूजी को पता चल गया तो जैसे मदारी के बिन के सामने सांप सर हिलाता है, ठीक वैसे ही मुझे बापूजी की डांट के सामने सर हिलाना पड़ेगा। कुछ ज्यादा ही मूड में है। दया, 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 अरे टप्पो, तू अभी खेल के आया, अभी तुझे टीवी देखना है, बहुत लेट हो गया बेटा, तू थक नहीं गया? चलो चलो सो जाओ। चलो पापा, टप्पू को बीरबल की कहानी देखनी है। अरे भाई, बीरबल खुद सो गया है, क्या कहानी देखनी है? चल चल चल, तू भी सो जा। चल क्या भाई, क्या हुआ, क्यों डांट रहे टप्पू को? दादाजी देखो ना, टप्पू को बीरबल की कहानी देखनी है और पापा मना कर रहे। क्यों, देखने दे। अरे बीरबल की कहानियों से तो अच्छी सीख मिलती है, और वैसे भी टप्पू की तो छुट्टियां चल रही है। देख टप्पू देख,
मैं देखता हूँ कौन रोकता है तुझे। चल हम दोनों मिलके देखते हैं। बापू जी टप्पू बाहर बैठे हैं और आप। अरे वो नहीं, मुझे तुझसे एक बात करनी है। हाँ हाँ कहिए। दया तू कितनी व्यवहारु है, कितनी समझदार है। माँ के संस्कार। तेरी माँ तो पूजनीय है। जब माँ आपके अलग अलग नाम रखती है तब तो गुस्सा करते हो। अरे वो तो ऊपर ऊपर से, बाकी अंदर अंदर जो तो मुझे बहुत खुशी होती है। हाँ? कितना बढ़िया बढ़िया नाम रखती है तुम्हारी माँ है। ओ फाफड़ा, तिलू, वो ढोकड़ा, और लास्ट लास्ट में क्या था वो गुब्बारा है। दया बैठ। अरे ऊपर ऊपर बैठ भाई। दया 31 दिसंबर की पार्टी के पास मेरा पास आए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत मजा आएगा। मैं सुंदर और माँ को भी बुला लेती हूँ, सब मिलकर गरबा खेलेंगे। अरे हाँ, ए, 31 स्टार है। दया दया एक इधर बैठ। क्या है ये जो पार्टी है ना 31 की? हाँ वो सिर्फ जेंट्स लोगों की पार्टी है। हा? क्यों बोला? किटी पार्टी में कैसे सिर्फ लेडीज लोग होते हैं? हैं होते हैं ना? हाँ। बस वैसे ही ये 31 की जो पार्टी होती है उसमें सिर्फ जेंट्स लोग होते हैं। अच्छा? हाँ तो मैं सिर्फ सुंदर को ही बुला लेती हूँ। सुंदर नहीं आ सकता है दया। क्या है ये खाली हमारे सोसाइटी के जेंट्स लोगों का आमंत्रण है। अच्छा तो आप और बापूजी ही जाओगे? बापूजी उधर क्या करेंगे आके, थक जाएंगे वो बेचारे। नहीं थकने की बात गलत है। उस दिन पता है ना बापूजी ने गैस का सिलेंडर कैसे उठा लिया था, उल्टा आप थक गए थे लेकिन बापूजी नहीं। लेकिन दया उधर गैस का सिलेंडर थोड़ी उठाना है, डरता पार्टी डांस मेंस करना होता है। ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बापूजी आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन सोसाइटी के बाकी सब लोग थोड़े क्या शर्म में आ जाएंगे ना। बापूजी वडील होंगे एक तो उनके सामने ऐसे खुल के एंजॉय नहीं कर पाएंगे ना। मतलब पार्टी में आप अकेले जाएंगे? अकेला जाना पड़ेगा। ठीक है लेकिन जुआ मत खेलना। बेचारी को इतना भी नहीं पता कि 31 के पार्टी में जुआ नहीं होता है। जुआ? तुम्हारी कसम नहीं खेलूंगा जुआ। बस अब कितने अच्छे हो। अच्छी तो तुम हो। अच्छा बाबा मैं अच्छी हूँ बस। लेकिन देखिए पार्टी में से घर पर जल्दी आ जाना, लेट मत करना। अरे सुबह सुबह ही आ जाऊंगा। हाँ? तो फिर ठीक है। चलो भी बैठे क्या है, खाना लगा, भूख लगी है। अरे हाँ, हाँ? भी भूल गया। चलो मेरा तो हो गया।
31st की पार्टी बीवियों के बिना, ये आइडिया है गोकुलधाम के मर्दों का कि पार्टी मनाएंगे लेकिन अकेले अकेले। अब ये तो ऐसी बात हुई जैसे बिना पायलट का हवाई जहाज, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन बीवियों को मनाना क्या इतना आसान है? हाँ, कुछ ने बहुत आसानी से अपनी अपनी बीवियों को मना लिया इस पार्टी में जाने के लिए और सोचने लगे कि भाई ये तो हमने कमाल कर दिया, हमारे दिमाग की जीत हो गई। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है। ये बीवियों का प्यार होता है असल में, जो पतियों के लिए अक्सर जाहिर हो जाता है और वो ऐसे कामों के लिए भी इजाजत दे देती हैं जो वो नहीं करना चाहती। लेकिन अभी कुछ मर्द गोकुलधाम के बाकी है जिन्हें अपनी बीवियों को मनाना, यानी कि मामला अभी अभी 50% है और 50-50% मामले के बीच में ठाके 100% है। आपके लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखते रहिए। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।